नमस्कार, लोकल वेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप लोकल वेज ऐप में बारकोड लेबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बारकोड लेबल्स प्रिंट करने से आपके बिजनेस को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि आपका बिलिंग प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा, आप अपने स्टॉक को अब आसानी से अरेंज कर पाएंगे, इसके साथ साथ एक्सपायरी प्रोडक्ट्स की परचेज रिटर्न भी हो जाएगी और आप स्टॉक ऑडिट भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी फायदे आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप बारकोड लेबल्स को आखिर प्रिंट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले लोकल वेल ऐप ओपन कर ले और परचेज सेक्शन पे आ जाए। परचेज सेक्शन पे आने के बाद आपको बॉटम में फर्स्ट ऑप्शन नजर आएगा ऐड परचेज, आप ऐड परचेज पे क्लिक करें। अब आप परचेज बिल को उसकी CSV फाइल या फिर PDF फाइल से इम्पोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि इम्पोर्ट कैसे की जाती है तो इसके लिए हमारा ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे ही आप एड परचेज का प्रोसेस पूरा कर लेंगे, उसके बाद आपको राइट हैंड साइड टॉप पे लास्ट ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट बार कोड्स। तो अगर आप F10 प्रेस करेंगे तो आप प्रिंट लेबल्स वाले सेक्शन में एंटर कर जाएंगे। तो उसके बाद देखिए जो जो प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए थे वो सारे प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पे शो हो रहे हैं। और इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो जो बैचेस हमने ऐड किए हैं वो बैचेस भी आपको नजर आएंगे। तो अगर आप इनमें से पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट के बारकोड लेबल्स प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसे सेलेक्ट कर लें। अगर आपको इन सभी प्रोडक्ट्स के बारकोड लेबल्स एक साथ प्रिंट करने हैं तो आप सेलेक्ट ऑल कर लें। उसके बाद आप राइट हैंड साइड में जाकर ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको बारकोड लेबल्स पे दिखानी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन बारकोड लेबल्स पे नहीं दिखानी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखानी है उसको अनचेक कर दें और दिखानी है तो उसे आप वापस चेक कर दें। इसके बाद आप देखिए आपको ऊपर ऑप्शन नजर आएगा प्रिंट प्रीव्यू, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप इन बारकोड लेबल्स को चाहो तो A4 शीट में प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो थर्मल प्रिंटर से भी आप इन्हें प्रिंट कर सकते हो। थर्मल प्रिंटर में आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी जीरो होती है और इसके एक पेपर रोल में आप काफी सारे बारकोड लेबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट लेबल्स पे क्लिक कर दें। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने प्रोडक्ट्स के लिए बारकोड लेबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट होने के बाद हमको जो हमारा बारकोड लेबल है वो ऐसा कुछ नजर आएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और वो कैसे कैसे आपके काम की है वो एक बार समझते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम नजर आएगा, उसके जस्ट नीचे उस प्रोडक्ट का जो बैच नंबर है वो आपको नजर आएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आपने कौन से बैच का प्रोडक्ट कस्टमर को दिया है। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे बैच में से प्रोडक्ट कस्टमर को दे देते हैं और आपको आइडिया नहीं होता है कि कौन से बैच में से एक्चुअली प्रोडक्ट कस्टमर को गया है। तो इससे आपका जो स्टॉक अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सटीक रहेगा। इसके साथ साथ आपके पास उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट भी है और देखिए आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में बॉटम में डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी पता है। तो इस प्रोडक्ट की जो परचेज रिटर्न है अगर वो भी आपको करनी पड़े तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ आपके बिजनेस का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, तो नेक्स्ट टाइम जब सेम कस्टमर को कोई मेडिसिन लेनी होगी तो बारकोड लेबल्स पे आपके बिजनेस का नाम पढ़ के आपके ही शॉप पे आएगा। इससे आपके कस्टमर्स रिपीट होंगे और बिजनेस में ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड में आपको 10 डिजिट का बारकोड दिया गया है और ये बारकोड नॉर्मल बारकोड की तुलना में 300 टाइम्स ज्यादा फास्ट स्कैन होता है। तो देखिए एक बारकोड लेबल्स को प्रिंट करने के बहुत सारे फायदे हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। याद से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर ड्रॉप करें। बाकी लोकल वेल से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए